चलिए स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो चलिए स्टूडेंट हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो वन आप लोग देख रहे हो इसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग इसको पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए तो यहाँ पर स्टूडेंट जो छायांकित भाग है उसको निरूपित करने वाली हमें भिन्न लिखनी है तो चलिए हम लोग भिन्न राइट करते हैं यहां पर आप लोग देखिए हमें क्या दिया गया है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सबसे पहले इस पूरे को देखिए यहां पर ये जो हमारा पूरा किसका दिया गया है स्टूडेंट अब आप लोग समझिए जैसे अगर हमारे पास कोई पूरा है पूरा का मतलब कोई चीज संपूर्ण है और इस संपूर्ण चीज को आप लोग देख सकते हैं यहां पर कितने भाग में बांटा गया है एक ए वाला भाग हो गया देखिए ए हमारा संपूर्ण भाग क्या है एक त्रिभुज इस तरीके से है स्टूडेंट इस और इसको जब कुछ बराबर भागों में बांटा जाए समझिए एक भाग हमारा ए हो गया दूसरा भाग देखिए हमारा ए वाला हो गया ठीक है और अगर हम तीसरे भाग की बात करें तो आप समझिए हमारा तीसरा वाला भाग ए हो गया तीसरा वाला भाग ए हो जाएगा और अगर हम चौथे भाग की बात करें तो चौथा भाग देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा ए वाला हो जाएगा यहां से देखिए ए वाला तो ए हमारा चौथा भाग हो गया स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे होंगे एक ए जो हमारा पूरा त्रिभुज है इस संपूर्ण त्रिभुज को कितने बराबर भाग में बांटा गया यहां पर ध्यान से देखिए एक दो तीन चार चार भाग में जब बराबर भाग में बांटा गया है तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए हमें इसके लिए भिन्न लिखना है यहां पर ये जो छायांकित भाग है उसके लिए भिन्न लिखना है ठीक है निरूपित करने वाला भिन्न लिखना है तो इसमें देखिए हमारा इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा अब अगर कोई पूरा है कोई पूरा जैसे हमारे पास ए तुर्भुज था तो इसको कितने बराबर भाग में बांटा गया चार तो जो चार बराबर भाग है तो उसको हम क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे ठीक है भाई किसी पूरे को जितने बराबर भाग में बांटा जाता है वो हमारा क्या होता है हर में होता है एक बात आप लोग समझ लीजिए जैसे जो हमारी भिन्न होती है अगर हमने कोई भिन्न लिखी ए अपॉन में बी तो स्टूडेंट ए जो इसमें ए है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम अंश कहते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट इसे हम हर कहते हैं अब हमारे पास अगर कोई पूरा है पूरा का मतलब कोई चीज संपूर्ण है उस संपूर्ण को जितने बराबर भाग में बांटते हैं वही हमारा क्या होता है हर होता है ठीक है तो यहाँ पर ये जो हमारा त्रिभुज था इस त्रिभुज को हमने चार बराबर भागों में बांटा तो ये जो चार भाग हैं इन चार को क्या करेंगे नीचे लिखेंगे बटे में यानी कि यही हमारा हर हो जाएगा अब इसमें से जितना भाग लेंगे वही हमारा अंश हो जाएगा ठीक है तो यहां पर देखिए इस छायांकित भाग को आप ध्यान से देखिए हम कितने छायांकित भाग ले रहे हैं एक भाग यहां से दूसरा भाग यहां से तो कितना ले रहे हैं दो बटे चार ठीक है यही हमारा क्या हो जाएगा भिन्न अब स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया यही हमारा दो बटे चार इसका भिन्न हो गया तो इस भिन्न को स्टूडेंट आप लोग सरल भी कर सकते हो ठीक है तो इसको आप सरल भी कर सकते हो लेकिन छायांकित भाग को निरूपित करने वाली हमें भिन्न नहीं लिखनी है तो यही हमारी भिन्न क्या होगी दो बटे चार और बच्चों यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया चलिए अब हम लोग इस सेकेंड नंबर को ध्यान से देखते हैं और इसके लिए भिन्न हमारी क्या हो जाएगी देखिए यहां पर अब आप लोग देखिए ये जो चतुर्भुज आप देख रहे हो ये तो हमारा वर्ग है कोई भी आकृति हो कोई भी संपूर्ण होना चाहिए ठीक है तो इसको कितने भाग में बांटा गया देखिए एक भाग दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ तो इसको नौ बराबर भाग में बांटा गया स्टूडेंट तो भिन्न के रूप में लिखना है इसके लिए तो भिन्न क्या हो जाएगा तो भिन्न क्या हो जाएगा स्टूडेंट अब तो आप लोग ध्यान से देखिए हमने कहा कि ये जो हमारा पूरा है देखिए ये जो आकृति है इसको कितने बराबर भाग में बांटा जा रहा है नौ तो जितने बराबर भाग में बांटा जाता है हमारा कहाँ पर होता है हर में होता है अब छायांकित भाग की बात की जा रही है छायांकित भाग को निरूपित करने वाली हमें भिन्न लिखना है तो इतने नौ बराबर भागों में से हम जितना भाग लेते हैं तो कितना भाग ले रहे हैं देखिए एक को छोड़ करके बाकी हम ले रहे हैं यानी कि आठ भाग ले रहे हैं आठ हमारा छायांकित है तो यही इसके लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट भिन्न हो जाएगा ठीक है चलिए अब हम लोग इस थर्ड नंबर के लिए बात करते हैं थर्ड नंबर को स्टूडेंट अब आप लोग ध्यान से देखिए इस थर्ड नंबर को तो इसके लिए देखिए भिन्न क्या होगा अब यहां पर ध्यान से देखिए पूरा लिखिए छायांकित भाग को निरूपित करने वाला भिन्न यहां पर देख लीजिए छायांकित भाग को निरूपित करने वाला भिन्न भिन्न निरूपित करने वाला भिन्न तो स्टूडेंट आप बताइए इसके लिए कैसे लिखेंगे यहां पर हमें कई सारे बॉल दिए गए बॉल कितने है? एक, दो, तीन, चार, पांच, कितना रहे हम देखिए एक दो तीन चार ये छाया वाला लेना है हमें तो ये चार बटे आठ स्टूडेंट क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा ठीक है चलिए अब हम लोग इस चार नंबर की बात कर लेते हैं इस चार नंबर को बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए इस चार नंबर के लिए भिन्न क्या होगी लिखिए छायांकित भाग को निरूपित करने वाला भिन्न छायांकित भाग को निरूपित करने वाला भिन्न निरूपित करने वाला तो स्टूडेंट भिन्न क्या हो जाएगा भिन्न क्या होगा स्टूडेंट यहां पर आप लोग ध्यान पर बटे है, है, में, तो में क्या लिखेंगे चार इसमें से छायांकित कितना देखिए एक ही है तो ए हो जाएगा हमारा एक बटे चार और स्टूडेंट क्या हो जाएगा भिन्न तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको हल किया चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सोल्यूशन क्या होगा तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए पर ये जो आप छोटे छोटे वर्ग देख रहे हो यहाँ पर ये जो छोटी आकृतियां देख रहे हो इसमें कितने हैं देखिए डायरेक्टली स्टूडेंट अब हम लोग भिन्न लिख दे रहे हैं लिख रहे हैं आप लिखना छायांकित भाग के लिए भिन्न क्या हो जाएगी हम डायरेक्टली अब, अब भिन्न लिख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए भिन्न क्या हो जाएगी कितना है देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात हैं तो यहां पर हम सात लिखेंगे ठीक है और पूरा तो कितना है सात है इसमें से ले कितना रहे देखिए एक दो तीन ले रहे हैं तीन बटे सात और बच्चों यही मारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अब इसके लिए आप भिन्न देख लीजिए क्या हो जाएगा यहां पर ध्यान से देखिए इसके लिए भिन्न क्या हो जाएगा कितना है देखिए चार चार आठ चार पूरा बारह है पूरा बारह है बारह में से कितना ले रहे हैं देखिए चार चार आठ एक नौ ले रहे हैं तो नौ बटे बारह स्टूडेंट क्या हो जाएगा इसके लिए पूरा नौ बटे बारह छायांकित भाग की बात की जा रही है स्टूडेंट देखिए छायांकित हमारा ए वाला है ठीक है ए छायांकित नहीं है तो तीन बटे बारह लिखेंगे तो यहां पर लिखिए बारह छायांकित की बात करो तो ऐसे देखिए हमारे जो फूल है ऐसे बने हुए हैं छायांकित नहीं है छायांकित हमारा ए तीनों है तो यहां पर क्या हो जाएगा तीन बटे बारह इसके लिए देखिए आप लोग, देख लोग हैं पेन एक दो तीन चार पांच पांच दस पेन है पूरा कितना है? दस है और ले कितना रहे देखिए यहां से दस के दसों ले रहे हैं ना हम क्योंकि सभी छायांकित है तो यहां पर दस बटे दस आगे आप लोग ध्यान से देखिए यहां पर ये जो हमारा एट नंबर है इसके लिए आपको ध्यान से देखना है इसमें देखिए कितना भाग है एक दो तीन ध्यान से देखिए एक यहां से देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ है पूरा तो हर में हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट नौ अब लेना कितना है देखिए छायांकित वाला लेना है तो यहां से एक दो तीन चार हम ले रहे हैं ठीक है तो हमारा इसके लिए भिन्न क्या हो जाएगा चार बटे में नौ और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आगे देखिए आप लोग हम लोग इस दस नंबर को देखते हैं इसमें देखिए पूरे भाग कितने हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ तो पूरा कितना भाग है पूरा कितना भाग है आठ भाग है आठ में से लेना कितना देखिए इसको लेना है इसको लेना है दो हो गया तीन चार को में लेना है ठीक है तो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा भिन्न चार बटे में आठ अब यहां पर आप लोग इसको ध्यान से देखिए अब यहां पर आप इसको कैसे लिखोगे यहां पर कोई हमारा देखिए बना हुआ है यहां पर एक चीटी है क्या है बना हुआ है इस तरीके से आप देख सकते हैं तो यहां से देखिए ए इतना पूरा है और इस पूरे को ऐसे बीस से आधा आधा कर दिया गया ठीक है जैसे समझिए ऐसे हमारे पास कोई पूरा है और इस पूरे को ऐसे कर दिया गया ठीक है तो इसके लिए मैं भिन्न लिखना है देखिए भिन्न क्या हो जाएगा भिन्न तो स्टूडेंट ए जो आप पूरा देख रहे हो इस पूरे को कितने बराबर भाग में बांटा गया एक भाग ए हो गया दूसरा भाग ए हो गया तो दो बराबर भाग में बांटा गया है छायांकित वाला भाग कितना देखिए एक आधा है ना भाई कितना ले रहे हैं एक ही भाग ले रहे हैं छायांकित का तो एक बटे दो, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर दो को ध्यान से देखिए इसमें क्या बात कही जा रही है दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए अब हमें छायांकित करना है ठीक है स्टूडेंट तो चलिए अब हम लोग छायांकित करेंगे और देखेंगे चलिए हम लोग छायांकित करेंगे तो चलिए स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखिए हमें क्या करना है दी हुई भिन्न के अनुसार हमें छायांकित करना है तो चलिए हम लोग इसको छायांकित करेंगे स्टूडेंट चलिए अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए यहां पर हमें भिन्न के रूप में क्या दिया गया एक बटे छह में भिन्न के रूप में दिया गया है तो इसका मतलब है यहां पर ये जो आकृति है इसमें कितने भाग होंगे छह भाग होंगे और छह भाग में से हम कितना भाग ले रहे हैं एक भाग ले रहे हैं ठीक है, थीक है? तो इसे में छायांकित करना है तो, में कर छाय कर है तो इसमें से आप किसी एक को क्या कर दोगे छायांकित कर दोगे ठीक है तो इसमें से आप किसी एक को छायांकित कर दीजिए देखिए एक दो तीन चार पांच छह भाग है छह में से हम ले कितना रहे एक तो एक भाग को हमने छायांकित कर दिया एक किसी भाग एक इसमें से किसी भी एक भाग को आप छायांकित कर सकते हैं ठीक है चलिए यहां पर आप दूसरे नंबर में ध्यान से देखिए एक दो तीन चार भाग यहाँ पर दिया है तो चार में से हम ले कितना रहे एक भाग ले रहे हैं तो आप किसी एक को छायांकित कर दीजिए ठीक है तो यहां पर स्टूडेंट इस हमने इसको क्या कर दिया छायांकित चलिए इसमें देखिए एक दो तीन भाग हैं कितना ले रहे हैं एक तो इसमें से आप किसी एक को भी क्या कर देंगे किसी एक को छायांकित कर दीजिए तो एक इसको डिनोट करेगा यहां पर ये जो आकृति आप देख रहे हो एक बटा तीन को ठीक है चलिए आगे देखते हम लोग यहां पर देखिए तीन बटे चार तो कितने भाग हैं एक दो तीन चार भाग हैं तो चार में से हम ले कितना रहे तीन तो तीन भाग को मैं क्या करना है छायांकित करना किनी तीन को आप छायांकित कर दीजिए चलिए हम लोग तीन को छायांकित कर देते किसी भी तीन को आप छायांकित कर सकते हो तो यहां पर चलिए हम छायांकित कर दे रहे हैं तो स्टूडेंट आप लोग तीन को छायांकित कर दीजिए तो से एक भाग और ले लीजिए देखिए पूरे चार भाग हैं और चार में से में तीन को क्या करना है छायांकित, है स्टूडेंट चलिए यहां पर देखिए पूरे नौ भाग हैं देखिए कितना भाग है नौ नौ है नौ में से में कितना लेना है चार तो कोई भी चार आप ले सकते हो तो ऐसे आप किसी भी चार को क्या करोगे छायांकित ठीक है चार भाग को आप छायांकित कर दीजिए स्टूडेंट यहां पर हमने चार भाग को क्या कर दिया छह भाई पूरा नौ है नौ में से हम कितना ले रहे हैं एक दो तीन चार ले रहे हैं तो चार बटे नौ हमारी भिन्न हो जाएगी चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है तो स्टूडेंट अब आप लोग इस अगले नंबर को ध्यान से देखिए इसमें क्या बात कही जा रही है इसमें आप लोग ध्यान से देखिए इसमें क्या बात कही जा रही है और इसमें जो बात कही जा रही है उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपको आंसर देना है तो चलिए अब तो आप लोग ध्यान से देखिए यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए यह एक बटे दो है तो यहां पर ये जो भिन्न ये जो आकृति आप देख रहे हो क्या एक बटे दो है नहीं है तो यहां पर ये जो चित्र है छायांकित भाग है दी गई भिन्न को नहीं दर्शा रहा देखिए क्या आधे भाग में है नहीं है ना आधे भाग में होने के लिए अगर कुछ इस तरीके से होता देखिए, एक बटे दो को नहीं दर्शा रहा ये जो छायांकित भाग है अगर कुछ इस तरीके से छायांकित होता कि आधा भाग इसका पूरा होता छायांकित इस तरीके से तो एक बटे दो होता तो यहां पर क्या है छायांकित भाग जो है दी गई भिन्न को नहीं दर्शा रहा इसमें देख लीजिए इसमें देखिए यह एक बटे चार है तो एक कैसे एक बटे चार है देखिए एक बटे चार है नहीं है क्योंकि यहां पर देखिए इसको क्या चार बराबर भाग में बांटा गया नहीं बांटा गया तो यहां पर देख लीजिए ये भी नहीं दर्शा रहा ठीक है तो लिख दीजिए यहां पर जो छायांकित भाग है छायांकित भाग दी गई भिन्न को दी गई भिन्न नहीं दर्शाता है ठीक स्टूडेंट चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है तो यहां पर इस अगले नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए आठ घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है तो स्टूडेंट आपको पता होगा एक दिन में कितने घंटे होते है? पूरे चौबीस घंटे होते हैं ठीक है लिखिए सोल्यूशन हमसे पूछा जा रहा है आठ घंटे एक दिन की कौन सी भिन्नत तो लिखिए हम जानते हैं हम जानते हैं कि एक दिन में एक दिन में घंटों की संख्या बराबर क्या होती है स्टूडेंट चौबीस घंटा चौबीस घंटे होते हैं एक दिन में पूरे चौबीस घंटे होते हैं तो चौबीस में से हम कितना ले रहे हैं देखिए भिन्न के रूप में लिखना है ना तो पूरा हमारा घंटा देखिए कोई पूरा कितना है चौबीस है और इसमें से ले कितना रहे आठ तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी आठ बटे चौबीस और स्टूडेंट है हमारा क्या हो जाएगा आंसर ठीक है चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है तो स्टूडेंट इस इसको आप लोग ध्यान से देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर पांच को चालीस मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है तो स्टूडेंट यहां पर ए हमें मिनट में दिया गया है और यहां पर एक घंटे की कौन सी भिन्न असम से पूछा जा रहा है तो चलिए हम लोग फाइव नंबर को सॉल्व कर रहे हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा तो स्टूडेंट एक घंटे में कितने मिनट होते हैं एक घंटे में कितने मिनट होते हैं लेकिन एक घंटा बराबर साठ मिनट ठीक है एक घंटा बराबर कितना होता है स्टूडेंट साठ मिनट ठीक है और चालीस मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न लिखे चालीस मिनट एक घंटे की भिन्न देखिए स्टूडेंट क्या होगा पूरा कितना है साठ है पूरा कितना है साठ है ले कितना रहे चालीस तो यहां से क्या हो जाएगा चालीस बटे में सात और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स को पढ़िए इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है आर्या अभिमन्यु और विवेक सा विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं ठीक है आर्या दो सैंडविच लेकर आता है एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला दोनों सैंडविच क्या है अलग अलग है अन्य दो लड़के अपना खाना लाना भूल गए अपने सैंडविच को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है समझिए भाई आप तीन दोस्त हो ठीक है इसमें नाम दिया है आर्या अभवनु विवेक तो आप अपने से लेकर समझो आप तीन दोस्त हो और आप लोग डेली तीनों लोग खाना साथ में बैठ करके खाते हैं लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये सैंडविच लेकर के आया और कितना सैंडविच लेकर के आया दो जिसमें से एक सब्जी वाला है और दूसरा सैंडविच कैसा है जैम वाला है तो इस तरीके से दो सैंडविच लेकर के आया और उस दिन हुआ क्या ये दोनों खाना लाना अपना भूल गए ठीक है ये लोग क्या हो गए खाना लाना भूल गए और ये जो लड़का है आर्या ये क्या करता है खाना बांट कर खाने के लिए तैयार हो जाता है जो उसने सैंडविच को लेकर के आया वो बांट कर खाने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके पास समझिए एक सैंडविच ये सब्जी वाली है और इसकी ये जो दूसरी सैंडविच है वो क्या है जैम वाली है ठीक है अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर मिले तो स्टूडेंट प्रत्येक को बराबर कब मिलेगा देखिए यहां पर ये जो सैंडविच है अगर इसको वह तीन बराबर भागों में बांट दे ठीक है अगर वो इसको ऐसे तीन बराबर भागों में बांट देगा देखिए एक भाग दो भाग तीन भाग यहां पर देखिए अगर इसको वो तीन बराबर भागों में बांटेगा यहां पर ऐसे बनाई बराबर दिखे आपको तो वो तीन बराबर भागों में बांट देगा तो प्रत्येक को क्या मिल रहा है बराबर भाग मिल रहे हैं तो आंसर में क्या होगा देखिए आर्य अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले प्रत्येक को बराबर भाग मिले इसके लिए उसको अपने सैंडविचों को तीन समान भागों में बांटना पड़ेगा लिखिए आर्य प्रत्येक सैंडविच को प्रत्येक को इसको एक बटा तीन इस तरीके से बांट देगा और इसको भी बराबर भाग में बांट देगा आर्य प्रत्येक सैंडविच को आर्य प्रत्येक सैंडविच को सैंडविच को तीन समान भागों में बांटेगा तीन समान भागों में बांटेगा तीन समान भागों में बांटेगा और प्रत्येक सैंडविच का एक भाग देखिए इसमें से एक भाग एक व्यक्ति ले लेगा दूसरा भाग ए ले लेगा और तीसरा भाग ए ले लेंगे तीनों भाग बराबर है इनको बराबर बराबर ए वाला मिल गया इसी तरीके से ये जो जैम वाला है इसमें से एक भाग इनको एक भाग ए ले लेंगे एक बार ए ले सबको बराबर बराबर मिल जा रहा है ठीक है और प्रत्येक को लिखिए प्रत्येक को तो प्रत्येक सैंडविच का एक भाग प्रत्येक को देगा प्रत्येक सैंडविच प्रत्येक सैंडविच का एक भाग एक भाग प्रत्येक को देगा तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं तो स्टूडेंट अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए ए नंबर को हमने सॉल्व कर लिया है चलिए हम लोग इस बी नंबर पर बात कर लेते हैं इसमें आप लोग ध्यान से समझिए क्या बात कही जा रही है प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिल रहा देखिए स्टूडेंट यहाँ पर तीन बराबर भाग में हमने इसको बांटा है एक लड़के को कौन सा भाग मिल रहा है एक भाग मिल रहा है ना तो यहां से एक बटे तीन मिला यहाँ पर देखिए पूरा कितना भाग है तीन तीन में से कितना दे रहे हैं एक भाग दे रहे है? एक बटे तीन तो प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिल रहा है एक बटे तीन स्टूडेंट यही हमारा आंसर हो जाएगा लिखना आप लोग प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का वन अपॉइंट थ्री भाग मिल रहा है स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है तो स्टूडेंट आप लोग अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है इसको आप लोग पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए इसमें देखिए क्या बात कही जा रही है कंचन कंचन ड्रेसों को रंगती है कंचन है वो ड्रेस को क्या करती है रंगने का काम करती है उसे तीस ड्रेस रंगनी थी उसने अब तक बीस ड्रेस रंग ली है उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है तो लिखिए ड्रेसों की रंगी गई भिन्न ड्रेसों की रंगी गई भिन्न रंगी गई भिन्न तो स्टूडेंट ड्रेसों की रंगी गई भिन्न हमारी क्या हो जाएगी देखिए पूरा कितना रंगना था उसको तीस पूरा उसको तीस रंगना था और अब तक उसने कितना रंग लिया बीस ड्रेस रंग लिया है तो क्या हो जाएगा भिन्न स्टूडेंट बीस बटे में तीस और अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहो तो इसको आप किससे देखिए समान संख्या से ऊपर नीचे आप भाग दे सकते हो ठीक है तो समान संख्या से हम भाग दे रहे हैं हमने इसको दस से भाग दिया तो दस दूनी बीस और दसिया तीस तो उसने कितना रंग लिया है दो बटा तीन भाग रंग लिया है ठीक है और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा एंसर चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है तो स्टूडेंट आप लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है दो से बारह तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है तो सबसे पहले मैं दो से बारह तक प्राकृतिक संख्याएं लिखनी पड़ेगी लिखिए दो से बारह तक की बारह तक की प्राकृतिक संख्याएं तो स्टूडेंट आप लोग राइट करिए प्राकृत संख्या को दो से बारह तक लिखना है तो दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये हमारी प्राकृत संख्या है इसमें देखिए कितनी अभाज्य संख्या लिखिए और एक कितनी संख्या लिखिए पूरी संख्या है कितनी हो गई पूरी संख्या हमारी कितनी है देख लीजिए गिन लीजिए इसको एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस इगारह संख्याएं पूरी चलिए इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं लिखें अभाज्य संख्याओं की संख्या तो अभाज्य संख्याओं की स्टूडेंट संख्या लिखें अभाज्य संख्याओं की संख्या तो स्टूडेंट इस इसमें कितनी अभाज्य संख्या देखिए दो हमारी क्या है अभाज्य संख्या एक दो तीन चार और यहां से आप देख सकते हैं ग्यारह पांच तो हमारे पास कितनी अभाज्य संख्या है पांच तो पूरी संख्या में से कितनी अभाज्य संख्या कितनी देखिए पूरी संख्या में से हम कितनी संख्या ले रहे हैं पांच तो यहां पर अभाज्य संख्याओं की संख्या लिखनी थी स्टूडेंट तो यहां पर आप पांच लिख दीजिए और भिन्न लिखनी अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है तो लिख दीजिए भिन्न देखिए भिन्न क्या हो जाएगी पूरी संख्या कितनी है ग्यारह है और ग्यारह में से कितना ले रहे हैं पाँच तो यहाँ पर पाँच बटे ग्यारह और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए इस नौ नंबर को और इसमें क्या कहा जा रहा है इसको आप लोग पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है तो चलिए सबसे पहले हम लोग 102 से लेकर के 113 तक की प्राकृत संख्याओं को लिखते हैं लिखिए 102 से 113 113 तक की प्राकृत संख्याएं तो स्टूडेंट प्राकृत संख्याएं क्या हो जाएंगी लिखिए एक सौ दो से हमें एक सौ तेरह तक लिखने हैं तो हमारी क्या हो जाएगी पहली संख्या एक सौ दो एक सौ तीन ऐसे लिखना आपको, 104, 105, 106, 107, 108, 105, 110, 110, है आपको एक सौ चार एक सौ पाँच एक सौ छः एक सौ सात एक सौ आठ एक सौ नौ एक सौ दस और स्टूडेंट एक सौ ग्यारह और क्या देखिए एक सौ बारह एक सौ तेरह तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई स्टूडेंट चलिए अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए इन संख्याओं की संख्या कितनी लिखिए पूरी संख्याएं कितनी है पूरी संख्याओं की संख्या कितनी संख्या इनको काउंट कर लीजिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह पूरी संख्या कितने स्टूडेंट बारह है चलिए वो लोग अभाज संख्याओं की संख्या लिख लेते हैं पहले तो स्टूडेंट अभाज्य संख्या क्या होती है जिनके पास वन और स्वयं के अतिरिक्त तो और कोई भी गुणनखंड नहीं होता ठीक है वन और स्वयं के अतिरिक्त तो और कोई भी गुणनखंड नहीं होता तो इस एक सौ दस के पास देखिए एक सौ दस के अलावा एक भी है दो भी है बहुत सारे गुणनखंड है ठीक है सत्रह छह भी है सत्रह भी है तो ए नहीं हो सकता एक सौ -so तीन के लिए आप लोग ध्यान से देखिए क्या एक सौ -so तीन का कोई गुणनखंड है तो स्टूडेंट नहीं है ठीक है तो एक संख्या ए हो जाएगी और दूसरी अगर हम बात करें तो हमारी क्या हो जाएगी एक सौ सात ठीक है एक सौ सात को क्या आप किसी संख्या से काट सकते हो देख लीजिए सात एक आठ किसी संख्या से नहीं कटेगा दो दो हो गया देखिए एक तो हमारा एक सौ तीन हो गया दूसरा एक सौ सात हो जाएगा तीसरा एक सौ ग्यारह हो जाएगा और चौथी एक सौ तेरह इसके अलावा और कोई भी इसमें अभाज्य संख्या नहीं है ठीक है तो अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या हो गई स्टूडेंट चार चलिए भिन्न लिख देते हैं हमारे पास पूरी कितनी संख्या है स्टूडेंट पूरी संख्याओं की संख्या बारह तो इसमें से कितनी अभाज्य संख्या है चार यानी कि बारह में से हम चार ही ले रहे हैं तो चार बटे बारह स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसको आप लोग समझ लीजिए देखिए आप देखते हैं कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके पास वन और स्वयं के अतिरिक्त स्वयं के अतिरिक्त और दूसरे गुणनखंड नहीं होते हैं तो यहां पर आप देखेंगे 103 तो के पास वन और स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है 107 को देखेंगे तो 107 के पास वन और स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है इसी तरीके से 111 तो और एक तो एक ए सारी इमारी क्या है अभाज्य संख्या तो हमने भिन्न के रूप में लिखनी थी तो हमने इसको भिन्न के रूप में लिख दिया ठीक है तो, student, अब आप इस को से इसमें क्या कहा जा रहा है इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में एक्स है ठीक है कौन सी भिन्नों में एक्स है तो यहाँ पर आप लोग देखिए एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ वृत्त दिए गए हैं आठ वृत्तने में से कितने एक्स है देखिए एक दो तीन चार चार में एक्स है स्टूडेंट तो हमारे पास क्या हो जाएगा भिन्न चार बटे में आठ ठीक है और स्टूडेंट है आप राइट कर सकते हैं चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है तो स्टूडेंट इस अगले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए इसमें क्या बात कही जा रही है क्रिस्टिन अपने जन्म दिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है जन्मदिन पर क्या करती है उसका जो हैप्पी बर्थडे है उस पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है वह तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है वह तीन सीडी खरीदती है देखिए उसने कितना परचेज किया तीन परचेज किया तीन खरीदा और अब पांच सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है देखिए पांच सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है तो उपहार के रूप में एक प्राप्त कर चुकी है और अतिरिक्त में कितना प्राप्त कर रही है चार और प्राप्त कर रही ठीक है उपहार के रूप में उसके द्वारा खरीदी गई सीडीओ की सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है देखिए कुल सीडी की संख्या सबसे पहले निकाल लीजिए लिखिए कुल सीडी तो स्टूडेंट कुल सीडिया देखिए आप लोग यहां पर कितना है देखिए एक तो पांच उपहार के रूप में प्राप्त करती है एक तो पहले प्राप्त कर चुकी थी चार बाद में प्राप्त कर रही है तो चार एक पांच सी डी यहां से हो गया तीन यहां जो खरीदी थी तो कुल सी डी कितना हो गया पांच तीन आठ ठीक है और उपहार में कितनी प्राप्त कर रही है इसको लिख लीजिए उपहार वाली उसकी जो सीडी है उसमें पांच प्राप्त करती है और तीन खरीदती है यहां पर हमने लिख लिया आप लोग से शॉर्ट में समझ लीजिए उपहार में पांच है और इन पांच में से यही मिला है ठीक उसको और तीनों खरीदती है कुल सीडी हमारे पास आठ हो गया अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है लिखिए उसके द्वारा खरीदी गई उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है कुल सीडी की संख्या की भिन्न ठीक है कौन सी भिन्न है स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा उसने उसके पास पूरा कितना सीडी डी आठ है आठ में से कितना खरीदा है देखिए तीन तो यही तीन बटे आठ क्या हो गया यही उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या और कुल सीडी की संख्या की भिन्न है ठीक है स्टूडेंट और यही हमारा क्या हो गया आंसर होगा अगर आपसे पूछा जाए उसके द्वारा कुल सी जो उपहार में प्राप्त सी है उसकी कौन सी भिन्न है तो देखिए पूरी सी की संख्या आठ है उपहार में कितना प्राप्त कर रही है पाँच तो इस केस में पांच बटे हो जाएगा तो ऐसे आप लोग भिन्न को निकाल सकते हैं ठीक है स्टूडेंट तो बच्चों आप देख आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी इस प्रश्नावली के हमने सारे सवालों को सॉल्व कर लिया है तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हों तो चैनल को स्टूडेंट आप लोग सब्सक्राइब करिएगा ठीक है, है? चलिए आप लोग पढ़ते रहिए थैंक यू